हे माई ब्यूटिफुल एंजल्स, वेलकम बैक टू अनुप्रयास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे जा रहा है आपका आज का दिन? मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है क्योंकि आज है होली। तो सबसे पहले हैप्पी होली आप सब लोगों को। ये होली आप लोगों की दुनिया में, आप लोगों की फैमिली में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसे ही खुश रहें। जिनकी इच्छाएं जो है पूरी नहीं हुई हैं वो पूरी हो जाएं और मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी रही है वो भी पूरी हो जाएं। तो आज का वीडियो जो है वो होली स्पेशल है। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, ये मुझे पहले वीडियो डालना चाहिए था लेकिन मैं बहुत ज्यादा बीमार थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई आप लोगों के लिए होली की। तो आज मैं आप लोगों के लिए होली की वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होली के दिन आप किस तरीके से अपने घर को साफ रख सकते हैं। मुझे पता है आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है, जब तक ये वीडियो जाएगा ऑलरेडी आधा दिन बीत गया होगा और क्या करें। पर आज तो छोटी होली है, कल बड़ी होली है, तो कल आप क्या क्या चीजों को ध्यान में रख सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित और साफ सुथरा रख सकते हैं, तो वो पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर कारपेट से कितना खूबसूरत लगता है ना, और सोफे भी ऐसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं कि उन पे कवर ना हो और दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। अगर डार्क कलर के हैं, लाइट कलर के हों तो और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन होली के दिन पे इन्हें हटा देना चाहिए। सबसे पहले तो वाइट कलर के कुशन्स हटा दे, मैं तो बोलती हूँ सारे कुशन्स हटा दे, लेकिन बिना कुशन्स के सोफ़ा मुझे पसंद नहीं है। इसलिए जो वॉशेबल सोफ़े जो कुशन हैं वो मैंने रखे हुए हैं, और जो कारपेट है उसको मैं रिमूव कर दूंगी क्योंकि कारपेट थोड़ा सा कॉस्टली आता है और गंदा हो जाए तो इसे वॉश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपके सोफ़े के ऊपर कोई भी कवर नहीं बिछा हुआ तो अपने फर्नीचर को अच्छे से कवर कर ले। जैसे कि मैं यहाँ पर नेट का पतला सा कवर चढ़ा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो डार्क कलर के चढ़ा सकते हैं। मेरे डार्क कलर वाले थोड़े से ख़राब हो रहे हैं इसलिए मैं ये लाइट कलर के बिछा रही हूँ ताकि सोफ़ा जो है वो ज़्यादा गंदा ना हो। होली के दिन पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम चाहे कितना भी अवॉइड करें, हमारे फर्नीचर के ऊपर, हमारे बेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब रूम के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होली हो जाती है। चाहे आप एक तिलक ही क्यों ना लगाएं, तो अच्छे से पूरे के पूरे फर्नीचर को आप कवर कर दें, अच्छे से कवर करके रखें। कवर करने से आपके फर्नीचर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा फिर भी कलर रह जाता है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको कैसे अपने सोफ़े को क्लीन करना है। और अगर फर्श के ऊपर आपका इस तरीके से सूखा रंग गिर जाता है और दाग छोड़ जाता है तो बहुत ही आसान तरीका है, विनेगर और बेकिंग सोडा को जहाँ पर भी आपका कलर चिपका हुआ है वहाँ पर दोनों का मिक्सचर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दे और बाद में उसे क्लीन कर ले और आपका फर्श जो है वो एकदम चमकदार बन जाएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि हमेशा होली से पहले अपना बाथरूम पहले से ही रेडी रखें। लाइक होली खेलने के बाद आपको किन किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक डार्क कलर का टॉवल जो कि पुराना हो और साथ में जो कपड़े आपको पहनने हैं वो भी टांग दे, एक हैंड टॉवल भी ज़रूर बाथरूम में रखें और किचन में रखें या फिर अपने लिविंग एरिया में रखें क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। जो जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर पैराबिन शैम्पूज़ का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेंट बोटानिका का शैम्पू लिया है, एक बॉडी वॉश रखा है और जो फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हैं वो रखिए। मैं यहाँ पर ज़्यादा सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ तो वो रखा है, और साथ में मैंने रखा है थोड़ा सा बेसन। बेसन किस लिए रखा है, ताकि ये कलर को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा, तो इसे ज़रूर रखें अपने बाथरूम में। और बहुत बार ऐसा होता है गीले हाथों के कारण करंट लगने के चांसेस हो जाते हैं, स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा लाइट ऑन एंड ऑफ करते हैं और बड़े भी, तो इससे बचने के लिए अपने पूरे घर के स्विच बोर्ड्स को इस तरीके से प्लास्टिक कवर से करें। और अगर आप चार्जिंग पॉइंट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कट करके आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप चाहे तो गुड नाइट लगाइए या कुछ भी लगाइए, आपको इस तरीके से कट करके लगा देना है। तो ये थे मेरे कुछ हैक्स अपने घर को क्लीन रखने के लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें, बेडरूम्स को बंद रखें, किचन में किसी को मत आने दे जो कलर से लथपथ हो, नहीं तो खाने में भी जा सकता है आपका कलर। तो आजकल क्या मैं आप कितना भी बोलें कि हर्बल कलर्स हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है केमिकल, तो अवॉइड कीजिए कि जो लोग कलर से भरे हुए हैं वो किचन में ना जाए। पानी की बॉटल्स और सब कुछ पहले से ही लिविंग एरिया में आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप
सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप भी अपने घर को साफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत गंदगी, गंदगी तो नहीं होती, कलर्स होते हैं, कलरफुल त्यौहार है, तो कलर्स के बिना तो ये त्यौहार अधूरा है, और ज़िंदगी में अगर रंग ना हो तो ज़िंदगी क्या ज़िंदगी रहेगी। तो उन कलर्स को निकालने के लिए भी आइडियाज़ मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, तो आशा करती हूँ ये सभी आइडियाज़ आपको हेल्प करेंगे आपके घर को साफ रखने में, और अगर कलर गिर भी गया है तो उन्हें भी क्लीन करने में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फटाफट से लाल रंग का सब्सक्राइब बटन हिट कर दे, बेल बटन भी हिट कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम में मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार, कंजूसी मत करना, फटाफट से लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा और कौन सा आइडिया आप खुद यूज करने वाले हो। तो मिलती है फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।